पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है जिसमें दार्जिलिंग जिले के रंगापानी स्टेशन पर कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन एक मालगाड़ी से जा टकराई। बताया गया कि कंचनजंगा एक्सप्रेस स्टेशन पर खड़ी थी, इतने में पीछे से आ रही मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस में टक्कर मार दी। बता दें कि यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंचनजंगा की 3 बोगियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान मालगाड़ी के आगे 2 बोगियां भी तहस नहस हो गई। हालांकि इस घटना में कितने लोगों की मौत हुई है इसका सही आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 25 से 30 लोगों के घायल होने की भी खबर है। आनंद फानंद में सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे अफसर प्रशासनिक अवसर घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कर दिया। बता दें कि सुरक्षा कर्मी ट्रक से बोगियां को हटाकर फंसे यात्रियों को निकालने का काम कर रहे। इस घटना को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दुख जताया है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अभी अभी दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा क्षेत्र में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकर अस्तब्ध हूँ। हालांकि विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा, कंचनजंगा एक्सप्रेस कथित तौर पर एक मालगाड़ी से टकरा गई है। बचाव, पूर्ण प्राप्ति, चिकित्सा सहायता के लिए DMSP डॉक्टरों, एम्बुलेंस और आपदा टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दिया गया है।